इंसान का नाम कभी नहीं मरता, इंसान की मृत्यु होती है, इंसान जाता है, इंसान का शरीर जाता है, लेकिन इंसान का नाम आज कभी नहीं मरता, क्योंकि इसको देख के अनुमान लगाया जा सकता है। अच्छा, सिर्फ ये दो बिल्डिंग थी, एक बिल्डिंग ये थी इधर वाली, ये थी। और जब आया तो यहाँ सारा रास्ता कच्चा था सामने का। अच्छा, जो आप एंटर किया जी, आपने जी। मैंने मार्च में ज्वाइन किया था तो जुलाई में जब बारिश हुई तो यहाँ कीचड़ था और लगभग एक एक फीट पानी में से लोग कीचड़ में से लोग निकल करके आते थे जी। उस समय श्री बी डी गुप्ता जी, मैं उनको नमन करता हूँ आज भी, मेरी यही पीड़ा है, मैं एक चिकित्सक का धर्म नहीं निभा पा रहा हूँ, ये मेरी पीड़ा है। मैं चाहते हुए भी उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ और ये एक बड़ी समस्या है। ऊंचाई तक दे दिया, आज आपको क्या मिला इस हॉस्पिटल के अंदर? नहीं, मुझे भी इस संस्था से बहुत कुछ मिला है और मैं इस संस्था को नमन करता हूँ, इस भूमि को नमन करता हूँ। अच्छा, फिर एक चीज़ और देखनी चाहिए, बात तो सारी दिखानी चाहिए, हरियाली है, साफ सुथरा, जगमग है, लेकिन अगर काम भी चल रहा हो, किसी की संस्था का काम चल रहा हो, तो उस हॉस्पिटल को ताला नहीं लगाया जाता। नमस्कार, मैं अजय, और भाई जो आज ये चीज़ आपको दिखाने लग रहा हूँ, इसकी लड़ाई पूरा शहर लड़ने लग रहा है, लोगों के रूप में, संस्थाओं के रूप में, और वो प्रबुद्ध लोगों के रूप में जो आज शहर के लिए भला चाहते हैं। निःशुल्क योग शिक्षा व निराश रोगियों के लिए एक आशा का केंद्र, भाई जीवन जीना है तो यहाँ पे आओ, और आशा का केंद्र है, भाई जीवन जीने की एक राह दिखा दे, ठीक करते हैं। हरियाणा प्राकृतिक चिकित्सालय, और इसके अंदर यहाँ कब्ज, गैस, एसिडिटी, अल्सर, पेट की सूजन, नजला, खांसी, जुकाम, एलर्जी, सिर दर्द, पता नहीं कितनी बीमारी का इलाज यहाँ पे हुआ है। सौभाग्य है भाई जिन्होंने ये बनाया, हरियाणा योग प्राकृतिक चिकित्सालय व हेल्थ रिजॉर्ट तो द्वारा बनवाया भैया ये श्री महावीर प्रसाद बुआनी वाला जी ने, कि प्रेरणा से उनके सुपुत्र श्री सज्जन कुमार श्री भजन का सन 1990 के अंदर बनवाया। और अब इस चर्चा के चल रही है सोशल मीडिया पे, चर्चा ये है कि अब इसको इसी साल से बंद कर दिया गया, क्योंकि सोशल मीडिया पे हैं प्रबुद्ध लोग हैं जो बता रहे हैं, वो सार्थक बात है, और जो इनके प्रधान हैं वीरजलाल सराफ से मैंने बात की, कैमरे के ऊपर बात की, बेस्ट मॉडल स्कूल के अंदर मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि इसका काम चल रहा है, इसको बंद नहीं किया गया। लेकिन बातें हैं, अब झूठ साच का बता दो, अंदर जाने के बाद पता चलेगा कि अब डॉक्टर साहब जो यहाँ पे सेवा देते हैं वर्षों वर्ष से, वो क्या कहेंगे और यहाँ की व्यवस्था क्या है, अगर काम चल रहा तो किस प्रकार का आज अंदर काम देखा जा सकता है। अब ये इंट्रीगेट है, और यहाँ पे स्टाफ के रूम में, कीपर के रूम में बैठे हैं। बोलो भाजी। नमस्कार भाजी, आप यहीं ड्यूटी करते हैं? आप यहीं ड्यूटी करते हैं? अच्छा, यो पहली बार बंद होया है सीजन में या हर साल में होता रहा है? की बात हुआ, बंद क्यों होया अभी? तो निराश आदमी ठीक होना खतरा है, वो तो सेठ है, मेहरबानी है, सेठ तो बना के दिया कि ना, सेठ बंद भी कर लागी के बैठने की, सेठ उधर भागे हो गया की बताओ है? एक सेठ सुई में है वो बना बना के देने लग रहे हैं, एक सेठ है वो बंद कर लग रहे हैं, क्या बात है? किस जाओगे, कितने साल हो गया ऐडा काम करते? ये बताओ जी, आपने कितने साल हो गया काम करते? मैं तो देखो इब्बा साल है। क्या साल हो तो? साल भी कोई है, साल कौन हुआ? ईमानदार तो काम करो हो, पुराने वर्कर, आप पुराना वर्कर है, आ जाओ ना। राम राम, क्या नाम है? रामकृष्ण जी। रामकृष्ण जी, आपने तो मरीजा की सेवा करी है, आने जानी है कि सहानुभूति दी है, ठीक हो जाएगी भाई, ठीक हो जाएगा, करना ही पड़ेगा। क्या साल तक देव सेवा? पाँच एक साल तो, पाँच साल तक भाई, उरा तो सारा मोह जुड़ गया, परिवार पर काम हो गया। अब की बार बंद क्यों कर दिया? देखो जी, ये तो कुछ चलेगा प्रोग्राम से। अच्छा, लगे चीजा? हाँ, चीजा लगेगा, एक दिन में दो दिन में लगने वाला है। अच्छा, लगेगा? हाँ, लग गया को नहीं है, लग गया। तो सुन, माओ सोशल मीडिया का हवा मच रहा है, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फोन पे बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया। जितनी जबान होंगी ना, उतने से बस, उतने मुंह, उतने मुंह है, उतने मुंह है। चलो, यह उसकी सुंदरता है और यह इसकी कायाकल्प है। अब ये बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए पता है को नहीं, लेकिन अब बात उनसे करूँगा जो यहाँ पे ड्यूटी दी, वर्षों वर्ष ड्यूटी देने लग रहे हैं, कि डॉक्टर साहब आपके काम में कमी रही या फिर संस्था के लोगों में कमी रही जो आज इसको बंद कर दिया गया, जो गरीब बेसहारा लोग थे उनको आपने वंचित कर दिया उनको ठीक होने से, क्योंकि आपकी सेवा तो छक जरूरत है, चाहे छोटी काशी हो चाहे वो कोई
और संस्था के रूप में हो। अब ये बोर्ड लग रहा है भाई, अब बोर्ड देख लो, परम पूज्य माता श्री सरोगमती श्री गीता देवी जी धर्मपत्नी श्री लाला जगन्नाथ जी शराब की समृति में, भाई ये बनाया था लाला जगन्नाथ शराब की समृति में आर्यना प्राकृतिक योग चिकित्सालय का प्रांगण में गीतांजलि शिल्यांश योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के कर कमल द्वारा संपन्न हुआ था। अध्यक्षता थी विरजलाल शराब की और उपस्थिति थी पवन बुआनी वाला जी की 2010 के अंदर। तो यह शान है और होनी चाहिए चहल पहल, लोगों के ठीक होने का राह होना चाहिए, लेकिन आज चाहे सेठों की कमी कहो या एक मार्गदर्शन की कमी कहें, लेकिन आज इसके अंदर सुनेर सी हो रही है। लेकिन अब बुझो डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब आपके काम में कमी थी या फिर कहीं कमी क्या रही कि जो आज इसको बंद करने की नौबत आ गई। अब अंदर आ जाओ, देखें ये चीज़ देखने लायक है, ये परहेज है बेटे, ये चीज़ देखने लायक होती है क्योंकि इंसान का नाम कभी नहीं मरता, इंसान की मृत्यु होती है, इंसान जाता है, इंसान का शरीर जाता है, लेकिन इंसान का नाम आज कभी नहीं मरता क्योंकि इसको देख के अनुमान लगाया जा सकता है। साफ सुथरी पिक्चर है, फोटो है, माला है, स्वर्गीय श्री लाला जगन्नाथ जी शराफ शोभा है। और इस तरफ आ जाए स्वर्गीय श्रीमती गीता देवी जी, वही पहलू है, वही साफ सफाई है जो एक होनी चाहिए पिक्चर के ऊपर, नाम के ऊपर। तो सलूट है इन स्वर्गीय जगन्नाथ जी को, गीता जी को, कि आज छोटी काशी के लिए इतना बड़ा ब्रह्मांड की तरह एक सुख सुविधा वाला संस्थान दिया कि उनकी आज जय जयकार हो रही हो हॉस्पिटल के अंदर अंतर बढ़ते ही, क्योंकि एक अच्छा माहौल देखा जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है आज ये दवाई है बाट देखें कोई आओगा लेन, किस तरह होगा पता है को नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आज संस्था के रूप में बंद होने के कगार पर आया हुआ। लेकिन संस्था को लोगों ने बताया था कि बंद नहीं होगा, इसका भाई काम करवाया जाएगा, इस महीने में पेशेंट कम हो जाते हैं। अब इसके ऊपर पर्दा डॉक्टर साहब डालेंगे, डॉक्टर मानव चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। सर नमस्कार, कैसे सर? सर मेरा सौभाग्य कि मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ, क्योंकि आज आपकी लड़ाई तो पूरा शहर लड़ रहा, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बादशाह की बात करें डॉक्टर साहब, दिखाएं आपने क्या क्या उपलब्ध दिख रही है इस हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि ये देखें एक चीज़ दिखाने की है, ये प्यार स्नेह मान सम्मान इंसान को काम से मिलता है, और ये कड़वा सच है जो आज मुझे इनके रूप में मुझे भी मिलना शुरू हुआ छोटी काशी के लिए, तो मानता हूँ कि मैंने कोई काम किया था इसीलिए मुझे मिला। तो आज ये शोभा बन के बैठे हैं तो काम के आधार पर बन के बैठे होंगे, तो डॉक्टर मानक का काम भी अच्छा रहा होगा और आज ये सुशोभित हैं इस ऑफिस के अंदर और बाहर स्वर्गीय लाला जी के नाम को चार चांद लगा रही आज कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब के रूम के अंदर। अब डॉक्टर साहब बात करूँगा बाहर चल के कि डॉक्टर साहब क्या क्या व्यवस्था आपने बनाई इन वर्षों के अंदर और क्या क्या आपने दिया और आज एक झटके में आपसे ये लिया क्यों जा रहा है। अच्छा फिर एक चीज़ और देखनी चाहिए, बात तो सारी दिखानी चाहिए, हरियाली है, साफ सुथरा जगमग है, लेकिन अगर काम भी चल रहा हो, किसी की संस्था का काम चल रहा हो, तो उस हॉस्पिटल को ताला नहीं लगाया जाता और ये संस्था काम है। और ये देखें उपचार कक्ष है, ऐसा भी नहीं है कि वो ये आम कमरा है, चपरासी कमरा है, कोई और है, ये अहम कक्ष है जिसको ओटी के रूम में, ऑपरेशन थिएटर रूम में कुछ भी बोल लो, ये उपचार कक्ष है देसी भाषा के अंदर एक संस्कृत का सही शब्द पकड़े तो। लेकिन दुर्भाग्य है भाई, ताले तो मोटे मोटे लगा दिए, चैन मोटी मोटी बांध दी, अब अंदर की व्यवस्था काम क्या है इस तरह से शुरू होगा पता ही नहीं। अब झूठ तो कोई बोल रहा, मैंने एक पक्ष की बात आपको सुनाई थी और एक डॉक्टर साहब का पक्ष मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा था दशा, क्योंकि ताला तो नहीं लगना चाहिए, ये सामूहिक ही तो है, चाहे इसके अंदर ट्रस्टी हो, चाहे कोई इसका मालिक हो, चाहे सब कुछ हो, जब लाला ने बनवाई, जगन्नाथ जी ने बनवाई, तो क्या ताला लगाने के लिए बनवाई थी क्या? नहीं, उन्होंने ताला लगवाने के लिए नहीं बनाई थी, उन्होंने बनवाई थी कि इसके अंदर आज अच्छी अच्छी मरीजों की दुआएं आएं, जो यहाँ से ठीक हो जाए वो दुआएं दें, लाला जी के परिवार को दुआ दें, लाला जी के परिवार, लाला जी को दुआ दें, लाला जी के वंशज को दुआ दें। लेकिन दुर्भाग्य ये है, अभी देख लो ताले बंद हो गए, ये है वास्तुता जो आज प्राकृतिक चिकित्सालय के आप देख सकते हैं, ताला नंबर दो, अभी पेशेंटों के कमरे हैं, किसके कमरे पता है को नहीं, ताला नंबर तीन अप्पा कक्ष, अब अप्पा कक्ष के ऊपर भी ताला है,
आप जहाँ भी आपकी नज़रदारी हो वहाँ पे आप ताड़ा ताड़ा देख सकते हैं इस प्रांगण के अंदर। अब ट्रस्टी साहब से मुझे पता नहीं था, मैं दौड़ा उस टाइम मैंने किया नहीं था, तो मैंने पूछा नहीं था कि ताले भी बंद हैं, लेकिन उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में कहा था कि लोग बदनाम करने वाले लोग हैं। लेकिन सर, बदनाम करने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन आंखों देखी हाल भी यही है कि आज आपके हॉस्पिटल में, पूरे हॉस्पिटल के अंदर ताले बंद ज़्यादा नज़र आ रहे, चाहे इसी के माध्यम से, चाहे किसी के माध्यम से, चाहे छोटे ताले रूम में हो, चाहे बड़े ताले रूम में हो। अब डॉक्टर साहब से पूछूँगा, डॉक्टर साहब कितने वर्षों से आप सेवा दे रहे हैं और क्या क्या आपने इस हॉस्पिटल के लिए बनाया, क्या क्या आपने इसके लिए टाइम दिया? ओके भाई, तो अब डॉक्टर साहब मेरे को वहाँ लेके आ गए, जब से ऊंचाइयों की ओर, भाई ऊंचाइयों की ओर का नाम ये नहीं है कि कोई सुरक्ष से आके कोई ऊंचाइयों में छू गया हुआ, उन्होंने दिया था दान, दिया सबको दिया था, दरा दी थी, बनवा के दिया था, लेकिन अब ये सिरा जाएगा तो उनको जाएगा जिन्होंने इसको इस मुकाम तक पहुंचाया, ठीक हो कि लोग भी जाएं और कहीं ना कहीं नाम भी रहे। तो ये देखिए ग्राफ देखें, 1964-65 1997-98 ये ग्राफ है आपका, कितना तरह से भी 1 लाख, 1 लाख, फिर 2002 में, 3 में ये और बढ़ा, 4 में और बढ़ा, 5 में और बढ़ा, 6 में और बढ़ा, 14 में और बढ़ा, और 16 में और बढ़ा, 18 में और बढ़ता चला जा चुका, 19 में ये इतना बढ़ा। लेकिन अब 21 का भी है डॉक्टर साहब, 21 का ग्राफ, ये 21 तक नहीं, 21 का फिर वो कोरोना टाइम चल रहा, कोरोना टाइम चल रहा, चलो 18-19 का ग्राफ ये पूरा ले लें, 18-19 का ग्राफ है। तो डॉक्टर साहब बताएं, आपने इसको तो इतनी ऊंचाई तक दे दिया, आज आपको क्या मिला इस हॉस्पिटल के अंदर? नहीं, मुझे भी इस संस्था से बहुत कुछ मिला है और मैं इस संस्था को नमन करता हूँ, इस भूमि को नमन करता हूँ, जो भी मैंने पाया इस संस्था के माध्यम से पाया है मैंने। वैसे आपने पाया है कि कुछ लगाया है? आप दोनों समझे, जीवन लगाया है मैंने, अपना जीवन का जो पीक टाइम है वो लगाया है और उससे पहले लोगों को प्यार पाया है, सम्मान पाया है, और मेरी सबसे बड़ी कमाई यही है। आज आपको क्या मिल रहा, तोहफे ग्रुप में, आपकी परिश्रम ग्रुप में, ऊंचाई ग्रुप में, ताड़े? ये कुछ समय का चक्कर है और मुझे लगता है कि ये भी बीत जाएगा। पढ़े लिखे के साथ भी समय का चक्कर होता है क्या? समय का चक्कर सभी के साथ होता है और किसी को भी चक्कर हो सकता है। इसमें कुछ गलत फहमियाँ हैं मैनेजमेंट को, और वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है, बस इतनी सी बात है। कान की कच्ची होगी मैनेजमेंट। अब मैं अभी ये शब्द कहूँ तो अच्छा नहीं लगता, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ज़्यादा फिर से बात करेंगे। इतिहास से जुड़े हुए इंसान हैं, आपके पास हर तकबे का आदमी आया, गरीब भी आया, अमीर भी आए, इलाज करवाने के लिए फ्री में होता है इलाज तो। लेकिन आप ये तो बता सकते ना, कान की कच्चे की वजह से कमेटी की लव पब्लिक भी ऐसा कह रही है कि हाँ ऐसा ही है। मतलब कान के कच्चे होने का कारण क्या, मतलब सेठ हैं, बड़े बड़े नाम है, सब कुछ कुछ भाई, लग रहा कि भय था कि जगह भी चली जाएगी, नाम भी चला जाएगा हमारे परिवार का? नहीं, उस ना ना किसी एक परिवार का नहीं है, ये पब्लिक का है, पब्लिक का है। और प्राकृतिक चिकित्सा से प्रेम करने वाले लोगों ने उसमें बनाया था, वो सब लोग अब चले गए हैं, अब उनके जो वंशज हैं वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। चल तो एक बंदे की रही वो बंद करो, वो हमारे तो है बड़ा, तो सामूहिक था, परिवार के लिए सबने बनाया था, लेकिन चल तो एक इंसान की रही, आपकी बात तो भी लग रहा, बस उसी की वजह से ये थोड़ी समस्या है और वो निपट जाएगी। गलत फहमी कहाँ पे पता होगी? गलत फहमी पिछले 5 सालों से चल रही है और वर्षक प्रयास किया गया उसको खत्म करने का, लेकिन लगता है कि शायद अब वो ख़त्म हो जाएगी, ईश्वर से ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और बहुत सारी बातें हैं, मैं फिर विस्तार से फिर कभी बात करेंगे। टाइम भी है, दस्तूर भी छोटे से लोग देख मेरे साहब, आज ये बंद हो रही कगार पे, ताले लग चुके डॉक्टर साहब, बता सकते हैं आप? हाँ, आज मैं ज़्यादा बात करूँगा तो फिर वो अन्यथा ली जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा ठीक बात वही मैं इस संस्था का ही चाहता हूँ जी, और मैं चाहता हूँ, मैंने अपने जीवन के पीक टाइम से इस संस्था को सींचा है और ये आज पौधे से वृक्ष बना है तो ये वट वृक्ष का रूप ले, बस मेरा भाव ये है, ये संस्था आगे बढ़नी चाहिए और इसको बंद करना ये बहुत मेरे लिए पीड़ादायक है, बहुत गलत है, पब्लिक भी विरोध कर रही है इस बात का, न जाने क्यों ऐसा। ट्रस्ट ने बंद करने का डिसीजन लिया तो लिया कैसे, थोड़ा बताएंगे भाई क्या कारण रहा बंद करने का, बंद किया जा रहा? नहीं, ये तो वही जाने जिन्होंने निर्णय लिया है, मुझे तो नहीं पता। उन्होंने बताया कि हम तो इसका वो जो काम पेंडिंग है वो करवाएंगे, अभी इसको तो पेंडिंग काम अब 1 नवंबर से बंद है, आज तक कोई पेंडिंग काम की कहीं कुछ शुरुआत हुई तो आप देख लीजिए, एक कहीं कुछ तोड़ फोड़ हुई हो, कहीं कोई मिस्त्री लगा हो, कहीं कोई सीमेंट रोड़ी पड़ी हो, तो आप देख सकते हैं, मान सकते हैं, कोर्ट आ गया मन में, अब वो क्या है वो उनके मन में तो वो जाने, ये बताएं नहीं, मुझे जानकारी नहीं। लोग क्या कह रहे हैं सर, जो आ रहे हैं लोग, जो इलाज कराते थे, जो अधूरे थे वो आ रहे हैं? हाँ, जो लोग आ रहे हैं वो तो देखो गलत ही कह रहे हैं कि गलत 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 हुआ है, हाँ गलत किया है।
वो लोग तो विरोध कर रहे हैं इस बात का, क्योंकि यहाँ दूर दूर से ऐसे लोग आते हैं जो एलोपैथी के हॉस्पिटल्स में या किसी भी अन्य पद्धति के हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में ठीक नहीं हो पाते, वो लोग यहाँ आते हैं और प्रभु कृपा से हम सेवा करते हैं तो उनको लाभ मिलता है और लोग बहुत आत्मा के साथ, दिल के साथ इस संस्था से जुड़े हुए हैं। आज भी दिल्ली से दो पेशेंट आए थे, उन्होंने भी कहा कि जी हम तो चाहते हैं लेकिन अब क्या करें, वो बहुत मुझे मेरी यही पीड़ा है, मैं एक चिकित्सक का धर्म नहीं निभा पा रहा हूँ, ये मेरी पीड़ा है, मैं चाहते भी उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ और ये एक बड़ी समस्या है। तो जो आज दिल को ठेस पहुंची, दिल्ली से पेशेंट आए आप इलाज नहीं कर पाए, तो आज क्या कमी मानते हैं, वो दुआ देंगे किस तरह से? क्या दुआ तो निश्चित रूप से नहीं देंगे, ये तो है ही, वो तकलीफ़ में आए थे और उनकी तकलीफ़ का उनको कहीं समाधान नहीं मिला, तभी यहाँ आए थे और यहाँ से निराश होकर गए हैं। तो फिर जी आम आदमी से आप सेवा दे रहे हैं? मैं 24 मार्च 1998 से यहाँ सेवाएँ दे रहा हूँ और मैंने ग्राफ अभी दिखाया आपको उस समय की क्या स्थिति थी। उस समय जब मैं आया था सिर्फ ये दो बिल्डिंग थी, एक बिल्डिंग ये थी इधर वाली थी, और जब आया तो यहाँ सारा रास्ता कच्चा था सामने का, जो आप एंटर किया आपने, मैंने मार्च में ज्वाइन किया था तो जुलाई में जब बारिश हुई तो यहाँ कीचड़ था और लगभग एक एक फीट पानी में से लोग, कीचड़ में से लोग निकल करके आते थे जी। उस समय श्री बी डी गुप्ता जी, मैं उनको नमन करता हूँ आज भी, वो राज्यसभा से एमपी थे, मैंने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने, मैंने भी और हमारे उस समय के वर्तमान, उस समय के जो सेक्रेटरी थे श्री पवन भवानीवाला जी और उस समय के मैनेजमेंट ने, उन्होंने हमने निवेदन किया कि भाई आप ये ठीक करवाएं इसका रास्ता, तो उन्होंने पहले रास्ता बनवाया, फिर इसकी बाउंड्री बनवाई चारों तरफ की, केवल बाढ़ लगी हुई थी और कुछ नहीं था, यहाँ सामने गेहूं थे, फसल बोई हुई थी, मतलब बहुत बुरी थी उस समय दशा में था। हाँ, और उसके बाद फिर हमने, मैंने सेवा शुरू की तो धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए और उसके बाद फिर ये नया ब्लॉक बनाया, डालर ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये ग्रुप, ये नया ब्लॉक बनाया, हाँ उड्डा साहब ने जिनका उद्घाटन किया, उसमें श्री पवन भवानीवाल जी सेक्रेटरी थे तो उनकी उपस्थिति, उनके प्रयास से उड्डा साहब यहाँ आए थे जब वो मुख्यमंत्री थे तब। फिर ये सामने किचन नहीं थी तो किचन भी बनाई गई, श्री राम प्रकाश जी उस समय राज्यसभा के एमपी थे, उनसे कुछ सहयोग मिला, कुछ संस्था से लगाया गया था, ये बनाया गया। उसके बाद बाहर भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, एक उधर कॉटेज है उस साइड में वो बनाई गई और उसके बाद ये डेवलपमेंट हुआ है, बाहर लॉन वगैरह सब बनाया, जो ब्यूटिफिकेशन हुआ जो आज रूप देख रहे हैं। जब 98 में मैंने ज्वाइन किया तो उस समय ऐसी कहीं भी कोई स्थिति नहीं थी, और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो 1998 से यहाँ, उससे पहले से भी यहाँ आ रहे हैं जी, जी। और वो देख करके उनको जब कई समय बाद आते हैं तो अच्छा लगता है कि भाई चलो संस्था धीरे धीरे फल फूल रही है जी। तो और संस्था का नाम भी हर तरह से अच्छा है जी, लगभग उत्तरी, पूरे उत्तरी भारत से लोग यहाँ आते हैं और लोग आते हैं। ठीक है, की बात करें तो कितने पेशेंट लोग अभी साल में इलाज होता था? हाँ, ये लगभग समझिए कि पिछले, अब तो कोरोना पीरियड को छोड़ करके, उससे पहले लगभग 1100 लोगों के आसपास लोग साल में आए थे हमारे पास, 1100-1200 लोग। तो महीना तो बंद हो चुका होगा डॉक्टर साहब? हाँ, इसको महीना एक नंबर से, आज 30 नंबर हो गया, एक महीना बंद है। हाँ, 2 साल से कोरोना काल चल रहा था, उस समय हमने यहाँ जो इंडोर पेशेंट थे उनको रखते हुए पूरे भारत के प्राकृतिक चिकित्सक चिकित्सालय बंद थे जी। उसके बावजूद भी हमने यहाँ रिस्क लेते हुए और जो सरकार के निर्देश थे उन सब का पालन करते हुए हमने यहाँ चिकित्सालय को ओपन रखा था और जो लोग इंडोर थे उनका सब की हमने सेवा की थी और वो बड़े खुश होकर के गए थे। सब आपकी सेवा ऊपर आज शक कैसे हुआ? नहीं, सेवा पर शक नहीं है, लेकिन सर बंद होने की कगार पे तो है, ताले लग चुके सर। हाँ, वो ठीक है, उसके मैंने बताने को कुछ गलत फहमियाँ हैं और वो उसको जो सच है उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, बस वो बात है। लेकिन सब कहीं इस संस्था के खोट आ गया मन में? नहीं, मन में खोट की तो मैं कुछ नहीं कहता, उनके मन की बात तो मैं नहीं जान सकता, मैं इतना अंतर्यामी नहीं हूँ, लेकिन कुछ तो कारण उनके मन में होगा, वो आप उनसे पूछ लीजिए तो बता पाएंगे वो आपको। चलो, स्थिति ये है कि डॉक्टर साहब ने अपने यहाँ पे बताया कि एक एक डेढ़ फुट के अंदर मैंने यहाँ पे इलाज शुरू किया था और आज देखें तो 4 चांद लगे हुए इस हॉस्पिटल के आगे पीछे, आप देख सकते हैं वो कि वो साफ़ सफाई है, वो कि वो चीज़ है जहाँ पे जो चीज़ को होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है उस संस्था का, दुर्भाग्य उस ट्रस्ट का, आज 1100 मरीजों का इलाज होने वाले जगह के ऊपर आज ताड़े लगने शुरू हो चुके और एक महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा कि काम कब शुरू होगा, टूट फूट का होगा भी या नहीं होगा। सिर्फ ये है कि डॉक्टर साहब एक आस के अंदर जी रहे कि मैंने कभी पौधा लगाया था, आज वो वट बना, वृक्ष बना, अच्छायदा बना, तो आज उस सेवा से भी इनको अटाया जा रहा, वंचित किया जा रहा, क्योंकि दिल में
दर्द है, क्योंकि दिल्ली से पेशेंट आए और उनका वो इलाज करने में सक्षम नहीं मानते थे, अपने आप को देख पाते थे, तो इससे बड़ा डॉक्टर के लिए दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। लेकिन संस्था अगर बंद नहीं करना चाहती तो इसके ऊपर कृपया के ध्यान दे। अगर शहर के छोटी काशी के सेठ हैं, सब कुछ है, छोटी काशी है, नाम है, तो वो सेठ भी आकर यहाँ पर अनुदान दे और इसको दोबारा से चालू करने की बात को एक जोर तौर से जायज़ है, क्योंकि ये शहर के लिए ज़रूरी है और संस्था के लिए ज़रूरी है, क्योंकि नाम जुड़ा हुआ जगन्नाथ शराफ का भी और गीता देवी शराफ का भी, शराफ मुझे पता नहीं शराफ ही है उनकी वाइफ है, शराफ का भी तो नाम जुड़ा है, तो आज लगता नहीं कि उनको नाम को कहीं ना कहीं धूमिल होते हुए देखा जाएगा भविष्य के अंदर। अब लोगों की राय लूँगा, जो लोग देंगे विचार इस बातों के ऊपर, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक हवा बना हुआ, सोशल मीडिया पर लड़ाई फाइट के रूप में चल रही थी और ये आपको माहौल था और ये हम आपको दर्शाया। ताड़ों के बंद के अभाव के अंदर आज पेशेंट बाहर से ही उल्टे लौटकर जा रहे अपने स्वास्थ्य के ना देखते हुए। तो अब बात शेर से भी की थी मैंने, विरजला शराब से भी की थी, अब देखते हैं वो दोबारा टाइम देंगे तो पूछूंगा, सर एक महीने के दौरान काम शुरू नहीं हुआ, अब कब तक काम शुरू होगा और कब तक लोगों को सुविधाएँ मुहैया दोबारा से प्राकृतिक चिकित्सालय के अंदर मुहैया हो पाएंगी। जे एन सी न्यूज से अजनक पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।